हेलो एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीए इंटरलॉक कुणाल मंधानिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज केस स्टडी डिस्कशन ऑफ अ न्यू केस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर दिन हम कोई ना कोई कॉर्पोरेट लॉ के किसी केस पे एनिमेटेड डिस्कशन करते हैं एंड आज भी हम डिस्कशन करने वाले हैं एक केस पे जिसका नाम है गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, जो बेसिकली बात करता है दोस्तों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में। तो एज यू ऑल नो, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन आई ऑफ लॉ, यानी जिस दिन से मेंबर्स कंपनी फॉर्म करते हैं, मेंबर अलग हो जाते हैं और कंपनी अलग हो जाती है और कंपनी की सारी एक्शन हम मानते हैं कि वो कंपनी कर रही है, ना कि उसके पीछे के मेंबर्स और उसके पीछे के डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ऑलराइट, बट यू ऑल्सो नो दिस फैक्ट कि अगर किसी ने ये कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज किया फ्रॉड करने के लिए, तो ऐसे केस में हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं और कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी ना मानते हुए पीछे वो पर्सन जो मिसयूज कर रहा है उसे पनिश कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली दोस्तों इस केस में हुआ जिसका नाम था गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ, इस केस में गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड एक कंपनी थी जिसके एम्प्लॉयमेंट में था, इनफैक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर था कौन, हॉर्न। एंड कंपनी को अच्छे से पता था कि कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो उसके कस्टमर्स को सॉलिसिट कर लेते हैं, यानी खींच के लेके चले जाते हैं। इसीलिए गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए एक बायलॉ था, एक रूल था कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा वो कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, वरना उसे एक हेफ्टी फाइन पे करना पड़ेगा। तो अपना हॉर्न, ठीक है, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसकी अच्छी पहचान बन चुकी थी सारे एम्प्लॉयज में, इनफैक्ट सारे कस्टमर्स में भी। अब जब वो कंपनी छोड़ के गया तो ऑब्वियसली ये जो गुडविल उसने बनाया था एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ में, उसे यूज करना था। बट अगर वो कस्टमर्स को सॉलिसिट करता गिलफर्ड मोटर्स के, तो उस पर वो हेफ्टी फाइन या पनिशमेंट इम्पोज हो जाता, जो कि बायलॉस में लिखा था गिलफर्ड मोटर्स के, बायलॉस में लिखा हुआ था गिलफर्ड मोटर्स कंपनी के। तो ऐसे केस में हॉर्न ने क्या किया, हॉर्न ने एक नई कंपनी फॉर्म की, हॉर्न एंड कंपनी लिमिटेड, एंड उसके थ्रू गिलफर्ड मोटर्स के सारे कस्टमर्स को सॉलिसिट किया। एंड जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि तुमने तो लॉ को तोड़ा है, तुम पे फाइन लगेगा क्योंकि तुमने गिलफर्ड मोटर्स के कस्टमर्स को सॉलिसिट किया है, उसने बोला मैंने थोड़ी किया है, वो तो हॉर्न एंड कंपनी लिमिटेड, जो उसने नई कंपनी बनाई उसने किया है, एंड कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको बहुत क्लियरली समझ चुका होगा कि यहां पे क्या हॉर्न ने खुद कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं किया, बल्कि हॉर्न एंड कंपनी लिमिटेड बना के कंपनी के थ्रू कस्टमर्स को सॉलिसिट किया, यानी उसने कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मिसयूज किया। तो दोस्तों जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऑब्वियस सी बात है यहां पे कि हॉर्न ने कंपनी बनाई और कंपनी के थ्रू कस्टमर्स को सॉलिसिट किया, यानी इस कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज किया। इस केस में कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया एंड हॉर्न एंड कंपनी एंड हॉर्न को एक ही माना और गिलफर्ड मोटर्स की जो पनिशमेंट थी वो हॉर्न पे इम्पोज कर दी। यस, यानी यहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गया। So, दोस्तों दिस वॉज माई टूडेज केस स्टडी डिस्कशन। आई होप आपको केस स्टडी डिस्कशन पसंद आया होगा, स्पेशली ये एनिमेशन के थ्रू बहुत हेल्प हो जाती है समझने में। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको ये हेल्प हो रही है आपके प्रिपरेशन में, तो बदले में मैं एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट चाहूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जुड़े रहे अन अकेडमी के सीए इंटर ग्रुप वन चैनल से एंड मेरे सारे वीडियोज से। बाय बाय, सी यू।